भाई क्या आप एक यूज फोन ढूंढ रहे हो 10,000 के अंदर? तो जी यहाँ पता लग गया आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है यार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेसिकली 10,000 के अंदर यूज फोन पाकिस्तानी मार्केट में जो कि आप भाई परचेज कर सकते हैं स्पेशली, और ये इजिली आपको मिल जाएगी मार्केट में। तो वीडियो के स्टार्ट बाकी ये है कि यार अगर आप कोई बॉक्स पैक फोन खरीदते हैं ना 10,000 के अंदर, तो वो आपको इतनी अच्छी वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते, बेसिकली वैल्यू फॉर मनी फोन नहीं होते हैं। इसलिए जो 10,000 की रेंज है इसके अंदर भाई आपको यूज फोन ही परचेज करने चाहिए और ये आपको काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। और आज की इस वीडियो के देखने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा भाई कि 10,000 के अंदर आप लोगों को कौन से फोन जो है परचेज करने चाहिए पाकिस्तान में। तो यार आज की जो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अगर चैनल बनाया है तो सब्सक्राइब कर देना भाई के चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को, दूसरे शेयर भी कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस लिस्ट में मैंने सबसे पहला फोन रखा है बेसिकली वो है भाई मोटोरोला की तरफ से, और वो है भाई मोटो E4 फिंगरप्रिंट वाला। अब इसके आप प्राइस की बात करते हो तो वो आपको अराउंड 7,000-7,500 का मिल जाएगा इजीली पाकिस्तानी मार्केट में अगर आप देखते हो। और यार ये फोन ऑल दो थोड़े पुराने हो चुके हैं लेकिन काफ़ी एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं आपको इस रेंज में 7,000 के अंदर। इसके अंदर भाई आपको स्नैपड्रैगन 425 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, इसके अलावा 2 GB रैम मिल जाती है, 16 GB स्टोरेज मिल जाती है मोटो E4 में, और एंड्रॉइड 7 वगैरह मिल जाता है और फिंगरप्रिंट वगैरह भी मिल जाता है इसके अंदर आपको, और 2800 mAh की बैटरी भी मिल जाती है इस फोन में। तो ओवरऑल ये फोन जो है काफ़ी डिसेंट है इस प्राइस के अंदर, स्पेशली अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत व्हाट्सएप वगैरह चलाना है या हल्की फुल्की गेम खेलनी है जैसे सब सफर वगैरह हो गई, तो उन लोगों के लिए फोन जो है बिल्कुल सही रहेगा। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो ये आपको अराउंड 7,000-7,500 में इजीली मिल जाएगा। अगला फोन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो भी मोटोरोला की तरफ से, उसका मॉडल नंबर है भाई मोटो E5 प्ले। और मोटो E4 और E5 प्ले में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है बेसिकली, दोनों ही सिमिलर डिवाइसेस हैं और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बिल्कुल डिजाइन में फर्क है। और जो वो आपको एंड्रॉयड वर्जन मिल जाता है उसमें E5 प्ले में 8 मिल जाता है आप लोगों को, और मोटो E4 में आपको एंड्रॉयड 7 मिल जाता है। तो ये दोनों से फर्क है, थोड़ा हल्का फुल्का फर्क है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो यार अगर आपको E4 नहीं खरीदना तो E5 प्ले की तरफ आप जा सकते हो, ये अराउंड आपको पाकिस्तानी मार्केट में 8,000-8,500 का इजीली मिल जाएगा किसी भी शॉप से। और इसमें भी आपको 2 GB रैम मिल जाती है, 16 GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है, और स्नैपड्रैगन 425 वाला प्रोसेसर वगैरह भी है। और तो ये फ़ोन भी काफ़ी डिसेंट है, अगर आपको इस प्राइस में ख़रीदना है कोई अपना सेकेंडरी फ़ोन के तौर पर या ऐसे ही लेना है कोई फ़ोन आप लोगों को इस प्राइस में, तो ये फ़ोन भी आप भी परचेज कर सकते हैं। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि मैं जितने भी फ़ोन बता रहा हूँ ये गेमिंग के लिए इतने अच्छे नहीं हो गए। अगर आप लोगों को गेमिंग के लिए कोई फ़ोन ख़रीदना है ना स्पेशली गेमिंग के लिए या ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई मेरे चैनल पर है, वो एक इंटरव्यू लिया था हमने एक मोबाइल शॉप वाले का, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और प्राई कार्ड में भी आपको शो हो रहा होगा, तो आप वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। आप अगर आपको कोई नॉन PDF फ़ोन खरीदना है 10,000 की रेंज में आपको गेमिंग वगैरह के लिए लेना है, तो आप वीडियो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में आप लोगों को जितने भी मैं फ़ोन बताऊँगा वो बेसिकली PDF अप्रूव होगा। अच्छा भाई नेक्स्ट फोन है बेसिकली वो भी मोटोरोला की तरफ से, इस रेंज में मैं जितने भी आप लोगों को फ़ोन बताया वो ज़्यादातर मोटोरोला की तरफ से बेसिकली। यार दूसरे कंपनी के फोन आते हैं सैमसंग वगैरह के, लेकिन वो इतनी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते आप लोगों को। अब अगला जो फोन है हमारे बेसिकली वो है भाई मोटोरोला की तरफ से, और उसका मॉडल नंबर है भाई मोटो जेड फोर्स। ये आपको अराउंड मिल जाएगा पाकिस्तानी मार्केट में 10,000 के अंदर, और यह है कि इसके अंदर आपको 4 GB रैम मिल जाती है, 32 GB स्टोरेज मिल जाती है, और सिंगल सिम वाला फ़ोन है ये। स्नैपड्रैगन 820 प्रोसेसर मिल जाता है इसमें आप लोगों को, और बिल्ट वगैरह काफ़ी अच्छी मिल जाती है, 21 MP का बैक कैमरा मिल जाता है। मोटोरोला का ये फोन है मोटो जेड फोर्स। अगर आपको ये भाई परचेज करना है, इसका मैंने फुल रिव्यू करा हुआ है, इसका गेमिंग रिव्यू भी करा हुआ है, इसका फुल डिटेल रिव्यू भी करा हुआ है 2020 में लेना चाहिए कि नहीं फ़ोन, तो वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके देख लेना। बाकी ये है कि यार ये फ़ोन 10,000 के अंदर काफ़ी डिसेंट फ़ोन है। बाकी ये है कि आप लोगों को इस फ़ोन की कंडीशन देख के ले लेनी है भाई स्पेशली, और इस फ़ोन में अक्सर औकात बैटरी वगैरह में काफ़ी इश्यूज आते हैं, तो आपको भाई एक किसी यानी अच्छे बंदे से ले लेना, अच्छे शॉपकीपर से, या आगे ये कि फ़ोन आप लोगों को भाई चेक करके ले लेना और कि फ़ोन सही है कि नहीं, कोई मसला तो नहीं है इस फ़ोन में, तो ये फ़ोन भी भाई काफ़ी अच्छा फ़ोन है। लेकिन फ़ोन में आपको भाई एक डाउन ग्रेड भी मिल जाता है बेसिकली, इस फ़ोन में आपको भाई हेडफोन जैक नहीं मिलता, इस फोन की चीज़ वही लगी है। बाकी ये फ़ोन देखा जाए तो 10,000 के अंदर काफ़ी डिसेंट फोन है। चलो भाई नेक्स्ट फोन है हमारे बेसिकली वो है भाई सैमसंग की तरफ से, और उसका मॉडल नंबर है भाई सैमसंग गैलेक्सी S6। अब S6 ऑल दो काफ़ी पुराना फ़ोन हो चुका है, लेकिन स्टिल इस प्राइस में काफ़ी डिसेंट फ़ोन है इसके अंदर भाई। ये मक्खी ने जीना हराम क्या हुआ। इसके अंदर भाई आपको बेसिकली एक 5.5 इंचेस वाली AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। इस फोन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है काफ़ी, इस फोन के कैमराज काफ़ी अच्छे हैं, ओवरऑल इस फोन का जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी डिसेंट प्रोसेसर है। लेकिन जहाँ पर ये फ़ोन आपको तंग करेगा वो इस फोन की बैटरी लाइफ,
तो बैटरी लाइफ में फोन आपको भाई बहुत तंग करने वाला है बेसिकली। तो अगर बैटरी का आप लोगों को ज़्यादा कुछ मसला नहीं है तो ये फ़ोन भी आप भाई परचेज कर सकते हो 2020 में सैमसंग गैलेक्सी S6। अगर कोई स्पेशली आपको सैमसंग का फ़ोन परचेज करना है इस प्राइस में, और लेकिन मैं आप लोग ऑनेस्टी के साथ बताऊँ ये फ़ोन आपको रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि यार आपको एक ऑल दो बहुत सारे मामलों में बहुत तंग करने वाला है ये सैमसंग का S6। यहाँ पर मेरे पास जो नेक्स्ट फोन है बेसिकली वो है मोटोरोला की तरफ से, और उसका मॉडल नंबर है भाई मोटो E4 प्लस। ये आपको अराउंड मिल जाएगा पाकिस्तान मार्केट में 10 से लेके 10,500 रुपये तक का आपको इजीली मिल जाएगा ना। फोन में आपको 3 GB रैम तो मिल जाएगी बेसिकली। इस फोन में आपको 32 GB वाला वेरिएंट आप इसका खरीदना, क्योंकि 16 GB स्टोरेज बहुत कम हो जाती है भाई। इसका भाई E4 प्लस मॉडल नंबर है, और इसके अंदर भाई आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, और मेटल बेल्ट मिल जाती है इसमें आप लोगों को, और इस फोन की डिस्प्ले भी बस 720p वाली डिस्प्ले है। कैमराज काफ़ी यानी डिसेंट है इस प्राइस के हिसाब से, कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कैमराज के हिसाब से अगर आप देखते हो। लेकिन 10,000 में देखा जाए ये फोन भी भाई काफी एक अच्छा फोन है मोटोरोला की तरफ से। इसका मॉडल नंबर है भाई मोटो E4 प्लस। हमारा अगला फोन जो आता है बेसिकली वो भाई मोटोरोला की तरफ से, और उसका मॉडल नंबर है भाई मोटो G6। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिल जाते हैं पाकिस्तानी मार्केट में। जो इस प्राइस में आप लोगों को बताने वाला हूँ 216 वाला बताने वाला वेरिएंट, ये भी भाई काफी डिसेंट फोन है। इसके अंदर भी भाई आपको स्नैपड्रैगन 425 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, 2 GB रैम मिल जाएगी, 16 GB स्टोरेज मिल जाएगी। इस फोन का डिस्प्ले है जो वो एक आपको पता है 16:9 वाला, इसके अंदर आपको डिस्प्ले मिल जाएगा। तो ये है भाई मोटोरोला का मोटो G6 प्ले। तो ये फोन भाई इजीली आपको 10,000 तक का मार्केट में मिल जाएगा 2 GB 16 GB वाले वेरिएंट। तो ये भाई कुछ फोन्स हैं जो कि मैंने इस प्राइस में रखे हैं। बेसिकली ये जो फोन्स हैं ये काफ़ी डिसेंट फोन है, आप परचेज कर सकते हो ज़्यादातर मोटोरोला की तरफ से आप लोगों को पता है। साथ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो भाई के चैनल को। बस इतना था स्टूडियो के लिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इस अपडेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज स्मार्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।